हेलो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कल हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज हम हैं एक क्लब स्पोर्ट स्टेडियम में, जो कि आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस किस चीज़ की ट्रेनिंग की जाती है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे धर्मेंद्र सर हैं जो जिम डांस के टीचर हैं, और मैं जिमनास्टिक कोच आरिफ। और मैं एक बच्चे को बुलाता हूँ और उसको पूछता हूँ कि वो यहाँ क्या करने के लिए आए हुए हैं। आइए आप, क्या नाम? माय नेम इज ऋतिक जोशी। यहाँ पर मैं क्रिकेट की ट्रेनिंग करने आता हूँ, और यहाँ पर 3 बजे से 7 बजे तक ट्रेनिंग होती है, और मैं राया मंडी से आता हूँ। आप कैसे आते हो? आप किससे आते हो? ऑटो से। ऑटो से आते हैं आप? ये बच्चा इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। ये बच्चा देखिए, राजा मंडी से यहाँ ऑटो से आता है और अपनी प्रैक्टिस करता है। और यहाँ अभी से ही ये छोटी छोटी बेसिक एक्सरसाइजें यहाँ करता है आके, और भविष्य में आगे मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था, अभी एक बच्चे से बात हुई थी, सर ने बताया था कि एक बच्चा अच्छी खासी ट्रेनिंग करने आता है यहाँ पे, छोटी छोटी एक्सरसाइज करता है, वो क्रिकेटर बनना चाहता है। और हम आपको कुछ दिखाने आए हैं, जैसे कि सर बताएंगे। जहाँ हम खड़े हुए हैं वो एक क्लब स्पोर्ट स्टेडियम है, जो कि ये हॉकी का टर्फ है। ये स्टेडियम के अंदर पहला टर्फ है जो यहाँ बना हुआ था, और यहाँ ट्रेनिंग 3:30 से स्टार्ट होती है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ ट्रेनिंग करते हैं बाहर से आके। जैसे कि हमने बताया, अभी क्रिकेट का बच्चा आया, अब यहाँ कुछ टाइम बाद छोटे बच्चे आएंगे जो हॉकी यहाँ पे आपसे खेलते हुए दिखाई देंगे। मगर हम वीडियो अभी नहीं आपको देंगे, अभी केवल हम जगह दिखा रहे हैं आपको, वो चीज़ दिखा रहे हैं जहाँ गेम होता है। तो अभी आप जैसा कि देख रहे हैं, ये ग्राउंड खाली है, और अभी 3:30 बजे तक यहाँ बच्चे आ जाएंगे, तो वो भी मैं आपको वीडियो भेजूँगा। और स्पोर्ट्स से लेके और जितनी भी बाहर की वीडियोज़ हैं, जो भी है, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे वीडियो कैसे यहाँ पे आते हैं बच्चे, किट अप में आते हैं, जैसे बच्चों जैसे स्कूल में जाते हैं वैसे ही यहाँ की भी एक किट होती है, वैसे बच्चे जो यहाँ किट में आते हैं वो वही एक अच्छा स्पोर्ट्समैन कहलाता है। और स्पोर्ट्समैन के अंदर एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, बिना डिसिप्लिन के वो खिलाड़ी नहीं बन सकता। और जैसा कि मैंने बताया था, ये आज हमारा 2nd ब्लॉग है, और आप देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो एक्सरसाइजें होंगी वो हम कुछ दिन बाद अभी स्टार्ट कर देंगे, पहले हम आपको जगह दिखाते हैं। और दोस्तों, ये हमारा आगरा का एक क्लब स्टेडियम है, वन ऑन एक ही स्टेडियम है आगरा में, जो कि ऐसा प्रोवाइड किया हुआ है ग्राउंड, आप देख सकते हो। आप लोगों को दिखाएंगे आरिफ सर, देख सकते हैं आप, ये काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, और यहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बच्चे आके ऐसी ट्रेनिंग करें और यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हॉकी का ग्राउंड है, और इसके गोल पोस्ट हैं जहाँ बच्चे गोल करते हैं, ये इधर। और मैं आपको बता दूं, अभी केवल ये अभी ग्राउंड में कोई भी नहीं है, अभी जब यहाँ बच्चे आएंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि हॉकी गेम कैसे खेलते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं हॉकी के अंदर।